दो थ्योरम हमने किए थे कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी के लिए, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड सेकंड थ्योरम वाज कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इनकी हेल्प से कुछ रिजल्ट्स प्रूव किए थे। नाउ थ्योरम 3, फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी प्रूव दैट साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो हमने रिजल्ट्स प्रूव किए थे उसमें से एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कल दो थ्योरम की हेल्प से कुछ रिजल्ट्स में से एक रिजल्ट ये था। अब हमको चाहिए साइन ए माइनस बी, तो थीटा की जगह हम पुट कर रहे ए माइनस बी, तो यहाँ हो गया कॉस पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी, सामने माइनस है इसलिए ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू साइन ए माइनस बी। इसको लिखा जा सकता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको पहले लिख लिया साइन ए माइनस बी, और इसको रीराइट करते हुए कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस ए एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस ऑफ माइनस बी बिकम प्लस बी। अब इसको कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई मानकर फिर हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस है बीच में तो माइनस आ जाएगा साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ वाई माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है, इसको नंबर भी बन दे दिया, तो इसकी हेल्प से कॉस पाई बाय 2 माइनस ए बन गया साइन ए, और कोई जो रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं वहां पर साइन पाई बाय 2 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, ये रिजल्ट कहीं लिखा हुआ नहीं है तो साइन में रीजन में मेंशन कर दूं, तो यूजिंग दिस रिजल्ट एंड वन वी गेट अवर डिजायर्ड प्रूफ साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अब यहाँ एक पैटर्न समझ में आता है, बीच में साइन है तो यहाँ पर रिजल्ट में साइन है, कॉस में अपोजिट रिलेशन अपोजिट साइंस थे। इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरम साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन फंक्शन में दोनों जगह सेम साइन है, ये प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, सेम पैटर्न से। तो साइन फंक्शन हो गया कॉस फंक्शन हो गया, अब बात टैन फंक्शन की कर लेते हैं। फॉर एनी टू एंगल्स ए एंड बी प्रूव दैट टैन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, तो टैन को लिखा जा सकता है साइन अपॉन कॉस, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का थ्योरम ये दिख रहे हैं आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का थ्योरम से रिजल्ट मिलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बाय थ्योरम्स। अब देखो रिजल्ट में प्रूफ क्या करना है, वन माइनस टेन ए टेन बी, तो यहाँ माइनस है, अब यदि इसको ऑब्जर्व करे तो इसको वन बनाने के लिए कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये रिजल्ट को देखते हुए हमको नेक्स्ट स्टेप समझ में आएगी कि सब कुछ ठीक है, अब ये वन चाहिए हमको, तो केवल डिनोमिनेटर को डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करें कॉस ए कॉस बी से, तो ये रिजल्ट देख के समझ में आ जाएगा, याद रखने की अलग से कोई जरूरत नहीं है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी वी गेट न्यूमरेटर में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, फिर जो कैलकुलेशन होते हैं ए प्लस बी अपॉन सी ए बाय सी बी बाय सी अलग अलग कर दो, इधर भी अलग अलग कर दो, और दोनों को सिंप्लीफाई करते समय cos b डिवाइड हो गया cos a cos से डिवाइड हो गया, दोनों डिवाइड हो गए तो 1 बचा, यहां पर sin upon cos tan हो गया, तो दिस इज tan a tan b ये 1 tan a tan b माइनस, तो tan of a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। अब जैसे प्लस के लिए ऐसे रिजल्ट tan a minus b के लिए हो जाएगा tan a minus tan b upon 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब ये साइन किसकी वजह से आ रहा है ये भी समझ में आ गया होगा, डिनोमिनेटर में कॉस रहता है तो कॉस अपोजिट साइन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए यहाँ प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है, यदि यहाँ माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है, उसके पीछे का रिजल्ट कॉस फंक्शन का रिजल्ट है, कॉस फंक्शन का। ये थ्योरम की हेल्प से
फिर रिजल्ट से कुछ cot a plus b is equal to cot a cot b minus 1 upon cot b plus cot a. अब एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो इसको cot a plus cot b कह सकते, लेकिन जब हम दूसरा रिजल्ट बात करेंगे cot of a minus b तो वहां डिनोमिनेटर में cot b minus cot a है, तो सिमिलरिटी के लिए पहले cot b लिखते हैं और फिर cot a लिखते हैं, तो याद रखना आसान होगा. कंडीशन दी है none of angles a b and a plus b is a multiple of pi, तो इसका क्या रूल है देखें cot of a plus b is equal to cos a plus b upon sin a plus b. रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं हम cos a cos b minus sin a sin b, यहां रिजल्ट अप्लाई करते sin a cos b plus cos a sin b. अब रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं माइनस वन का ये मतलब ये टर्म यहां से हटाना होगा डिवाइड करना होगा, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin a into sin b. अब जब हम इसको डिवाइड करें तो गारंटी होना चाहिए कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो sin a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a x एक्सिस पर नहीं होना चाहिए 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या फिर माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, तो a सिमिलरली b और जब यहां डिनोमिनेटर में लिखा a plus b तो एंगल a plus b should not be on x axis, that means they are not multiples of pi. Under this condition ये सब meaningful होगा. तो जब यहां पर कंडीशन की बात कर रहे हैं यहां पर भी सोचा जा सकता है इसी तरह से, जब डिनोमिनेटर में cos a plus b है जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं cos a cos b से, तो ये जो हमारे एंगल है a b और a plus b ये रिजल्ट्स के लिए ये y एक्सिस पर नहीं होना चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस पर नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ, तो दे आर दे शुड नॉट बी ऑफ द टाइप 2n plus 1 into pi by 2. ठीक है, तो ये कंडीशन के साथ रिजल्ट हो जाएंगे. अब बाकी का काम आसान है, इसको सिंपलीफाई कर लो तो जब देखेंगे तो cot a cot b माइनस ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 1, यहां से sin डिवाइड हो गया cot b प्लस यहां से sin भी डिवाइड हो गया cot a रिजल्ट. तो सिमिलर लाइंस पे cot a माइनस b को प्रूव किया जा सकता है cot a into cot b प्लस 1 upon cot b minus cot a. जनरली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय साइन कॉस और टेन के रिजल्ट्स यूज होते हैं. वी कैन डिराइव दिस रिजल्ट्स फ्रॉम बेसिक रिजल्ट्स.